नमस्ते दोस्तों, रचना की रचना चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप या हल्दी कुमकुम की सुंदर सुंदर डिब्बियां देख रहे हैं या सिंदूरदानी देख रहे हैं, आज के वीडियो में हम यही बनाने वाले हैं। देखने में जितनी सुंदर है, बनाने में उतनी ही सरल है दोस्तों। आप इन्हें देख कर तुरंत बना लेंगे। पिकॉक वाली तो बहुत ही सुंदर लग रही है, रॉयल लुक दे रही है दोस्तों। देखिए, बहुत मस्त लग रही है। और लाल वाली क्या कम सुंदर लग रही है। आप इन्हें घर में पूजा हो, ड्रेसिंग टेबल हो, या किसी को गिफ्ट करना हो, सभी जगह शोभा बढ़ाएंगी ये सुंदर सुंदर सिंदूरदानी या हल्दी कुमकुम की डिब्बियाँ। तो आइए सबसे पहले यह मोर वाली बनाते हैं। अब इनका ढक्कन इतना टाइट होता है, कभी सिंदूर नहीं गिरता है दोस्तों इनसे। इसके लिए एक्रेलिक पेंट की बोतल लेनी है, अच्छे से वॉश कर ली है हमने। देखिए, एकदम हमारे पास 3-4 इकट्ठी हो गई है। इसमें से राउंड शेप वाली लेने वाले हैं दोस्तों, इनसे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनती हैं। तो इसके लिए हम मोल्डेड क्ले का यूज कर रहे हैं। रेजिन और हार्डनर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन जितना चाहिए थोड़ा थोड़ा ही मिक्स किया है। बराबर बराबर मात्रा में लेना होता है दोनों को। टेलकम पाउडर जरूर यूज करिए। उसे डालने के बाद हम एक टाइल्स रखे हैं यहाँ पर, जिससे टाइल्स को बाद में हम वॉश कर लेते हैं। और किसी बेलन की हेल्प से, किसी हेल्प से इसे बेल लीजिए लंबा लंबा सा, और साइड से इसके जो कॉर्नर है वो काट दीजिए, जिससे स्मूथ मतलब एक सा हो जाए। तो आप मोल्डेड क्ले की तरह एम सील भी ले सकते हैं। एम सील भी यही काम करता है, लेकिन एक्चुअली बॉल पुट्टी ना लें तो हमारा ऐसा मानना है, बॉल पुट्टी कभी कभी टूट जाती है, लेकिन मोल्डेड क्ले गिरने के बाद भी नहीं टूटती है। तो जो आपकी जो एक्रेलिक पेंट की बोतल है उस पर फेवी बॉन्ड लगाना है। उसके बाद जो हमने बेली हुई क्ले है उसको चिपका देना है। हैवी बॉन्ड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने टेलकम पाउडर लगाया है, तो क्ले अच्छे से चिपक जाए। वैसे तो क्ले बिना हैवी बॉन्ड या हैवी कॉल के ही चिपक जाती है, कहीं रखती है वहाँ पे स्टिक हो जाती है। लेकिन जब टेलकम पाउडर डालते हैं तो उसके बाद हमें हैवी बॉन्ड लगाना जरूरी है। इसे अच्छे से स्मूथ कर देंगे चारों साइड से, और ढक्कन लगा कर जरूर देख लीजिए दोस्तों। तो और ढक्कन लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा क्ले है उसको कटर की हेल्प से निकाल दीजिए, जिससे ढक्कन आपका प्रॉपर बंद हो जाए। नहीं तो बाद में क्या, ढक्कन प्रॉपर बंद नहीं होगा तो सिंदूर गिरने का डर रहेगा इसलिए। और नीचे का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो भी क्ले का काट देंगे। कटर की हेल्प से निकाल दीजिए, जैसे भी आपको निकाल सके तो एक सा कर दीजिए। थोड़ा प्रोफेशनली लगना चाहिए, स्मूथ हो, देखने में अच्छा हो। तो एक तरीके से बनने के बाद कोई चीज़ थोड़ा मन से बनाए तो मज़ा आता है, देखने में भी अच्छी लगेगी। कहीं फिनिशिंग नहीं हो तो फिर अच्छा मज़ा नहीं आता है कि आर्ट वर्क में। फिनिशिंग होना जरूरी है। देखिए, ढक्कन को प्रॉपर बंद कर दिया है। फिर टेलकम पाउडर जरूर डालना है, बार बार हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद ढक्कन में भी हमें क्ले का यूज करना है, तो इसमें भी फेवी बॉन्ड लगा देंगे, या फेवी कॉल भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास अभी फेवी बॉन्ड है। जो भी आपके पास है, बस ग्लू गन का यूज ना करें बस ऐसे इसमें लगाने में। तो इसे अच्छी तरह से लगा दीजिए, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर देंगे, और फिर ढक्कन को भी बंद कर देख लेंगे प्रॉपर बंद हो रहा ही नहीं। ये चेक जरूर कीजिए दोस्तों, नहीं तो बाद में फिर आप कहेंगे प्रॉपर नहीं बना है, तो इसलिए बीच में चेक करते रहिए। और जो आप जो बची हुई कटी हुई क्ले थी उससे उसके ढक्कन को नॉब बना देंगे राउंड शेप में। अब बोतल पे कलाकारी तो बनती है दोस्तों, क्ले वर्क हो उस पर कलाकारी ना हो तो क्या मजा आए। अपन लोगों को मतलब हमारे लिए तो उसमें एंटिक लुक देना है, इसलिए हम कटर की हेल्प से थोड़ा जो भी डिजाइन समझ में आ रहा है कुछ भी कर दीजिए, आड़ा तिरछा जो भी है, जो भी आपको पसंद हो। हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम मतलब मोर वाली सिंदूरदानी बनाएं, लेकिन क्या होता था, एक्रेलिक पेंट की बोतल खाली होती थी तो कभी लैंप बना लिया, कभी कुछ बना लिया, तो वो ख़त्म हो गई सारी। लेकिन फाइनली हम इस बार हमने कहा कुछ भी हो जाए, पहले हम ना वो हल्दी कुमकुम के लिए डिब्बियाँ बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, जो भी आपके पास अगर टूल्स हैं, क्ले टूल्स, उनसे भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो स्केच पेन का ढक्कन, किसी भी चीज़ का, और क्या कहते हैं रिफिल का, पीछे का पार्ट, ये भूल भी जाते हैं बोलते बोलते क्या बोलना है हमें। देखिए इस तरीके से आप उसका निशान मतलब आ जाता है, तो बना दीजिए आप। सुंदर सुंदर कट वर्क से और भी सुंदर लगेगी। वैसे बहुत डिजाइन याद आ रहे हैं अभी तो, बस राउंड ही राउंड बना दे दिया हमने। हमें जो बहुत रीफिल वाला तो बहुत ही सुंदर लगता है, बीच में जो डॉट सा बन जाता है और चारों साइड गड्ढा गड्ढा हो जाता है।
और जो थोड़ा चौड़ा पोर्शन है तो इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा कट वर्क वाला करेंगे, जिससे ना ब्लैक कलर करेंगे ना तो अंदर काफ़ी चला जाए। उसके ऊपर थोड़ा गोल्डन कलर करेंगे। ढक्कन पर भी हमने थोड़ा वर्क कर दिया है दोस्तों, शायद वो हम रिकॉर्ड करने ही भूल गए होंगे बीच में, मतलब बंद हो गया हुआ है वो। ऊपर उसके ऊपर एक मोती बना के लगा दिया, सुंदरता छोटी छोटी डिटेलिंग से ना कोई चीज़ सुंदरता, मतलब कोई भी चीज़ अपन आर्ट वर्क करते सुंदरता बढ़ जाती है। पिकॉक का पार्ट बनाना है आगे वाला पोर्शन, देखिए इस तरीके से हमने थोड़ा सा रोल रोल किया था और चिपका दिया, और फिर ढक्कन लगा के देखिए, और बीच बीच में ना टच करते रहिए के लिए ना स्टिक ना हो जाए ढक्कन से, तो ढक्कन बंद रह जाए वो खुले ही नहीं। और इस जो हमने पिकॉक का पार्ट लगाया है उसको ना हम टेलकम पाउडर पर रखेंगे, नहीं तो ना टाइल्स पर वो चिपक जाएगी। अब इसकी जो चौच होती है मीन्स मतलब वो बनाना है, देखिए वाह कितनी सुंदर लग रही है, सच में मोर लगने लगी है, तो मोरी बन रही है एक्चुअली में, अभी से लगने लगी मीन्स अभी फेदर नहीं बने फिर भी मोर जैसी लग रही है। मोर तो कितना सुंदर होता है एक्चुअली में, देखिए हमने पत्ती जैसा काट लिया उसके लिए। अब इसको फेवी बॉन्ड की हेल्प से जो हमारी बोतल तैयार हुई वो पत्ती के ऊपर रख देंगे, बातों में हम भूल ही गए बताना। अब क्या हुआ, जो रोटी जैसा फिर वेल लिया, हमारे पास कटर है एक्चुअली में, लीफ शेप का जो मोल्ड है ना उससे काट रहे हैं। अगर आपके पास नहीं तो आप छोटी छोटी पत्तियां काट लीजिए वो तो उससे कटर की हेल्प से, और उनको फोल्ड करके ऐसे लगा दीजिए। तो बस इनको आपने इस मोल्ड को हमारे कई वीडियोज में देखा होगा, नहीं हो तो जैसे हमने बड़ी वाली पत्ती को तो बिना मोल्ड के ही काट लिया पत्ती के शेप में, हाथ से थोड़ा उसे फिनिशिंग दे दी, मतलब इस तरीके से देखिए सारे फेदर्स लगा दिए पूरे में। अब जो हमारा वो है तो बत्ती जैसा बनाएंगे, जिस तरह लिप्पन वर्क के लिए करते हैं ना, और छोटे छोटे बराबर बराबर ना उसके पीस कर लेंगे। तो इन पीस को क्या, जो पीसेस को ना राउंड राउंड करके मोती जैसे बनाना है, इन मोतियों को माला जैसी पुरो के चारों साइड लगा देना है बोतल के किनारे से। डिटेलिंग से कोई भी वर्क अच्छा लगता है, आर्ट वर्क देखिए वो तो जितना करो उतना कम है, लेकिन इससे क्या थोड़ा पोर्शन दिखने लगेगा, थोड़ा उभर के आ जाएगा ऊपर, इसलिए किया है। और सूख गया 3 से 4 घंटे में अच्छे से सूखने देना दोस्तों, एकदम सूखने के बाद पत्थर जैसा हो जाता है संगमरमर का हो ना इस तरीके से। एंटी ग्लो देने के लिए पहले ब्लैक कलर करेंगे हम पूरी बोतल पर, अच्छे से कर दीजिए। और हाँ यहाँ पर हम एक्रेलिक पेंट यूज कर रहे हैं दोस्तों, हम आपके पास जो भी है वो कर लीजिए, हम जनरली कपड़ों वगैरह पे भी करते हैं ना तो हम एक्रेलिक पेंट ही यूज करते हैं, आप चॉक पेंट भी कर सकते हैं। तो हमने पूरे पर पहले ब्लैक कलर कर दिया है, अब गोल्डन कलर करेंगे, ये भी एक्रेलिक का गोल्डन कलर है हमारे पास, लेकिन हाथ से करने से थोड़ा अलग लुक आता है, इसलिए ना फिंगर से कर दीजिए, ब्रश से करेंगे उतना मज़ा नहीं आता है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, एंटिक लुक आ गया ना, अब थोड़ा ट्रेडिशनल लुक दे इसके फैदर बना देते हैं कलरफुल। कलरफुल फैदर में जो भी आपको कलर पसंद है वो लगा दीजिए, कर दीजिए। वैसे तो पिकॉक के तो होते हैं वो, हमारे पास पिकॉक वाला कलर ज़्यादा है नहीं। देखिए ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो ब्लू, स्काई ब्लू जैसा थोड़ा थोड़ा कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या थोड़ा स्काई ब्लू कलर कर दिया। अब बारी आती है आंखें बनाने की, आंखों से सुंदरता बढ़ जाती है किसी की भी हो, मनुष्य की हो या जानवरों की, आंखों से जो देखिए कितनी सुंदर लगने लगी, 4 गुना सुंदरता बढ़ गई मोर की। वाह कितनी सुंदर लग रही है मोर, तो सिंदूरदानी और साथ में बनकर तैयार हो गई। देखिए दोस्तों रॉयल लुक दे रही है, आप ड्रेसिंग पर रखेंगे, मंदिर में रखेंगे, सुंदरता बढ़ जाएगी, कहीं पे भी रखेंगे। अब बनाते हैं दूसरी वाली हल्दी कुमकुम की डिब्बी है लाल वाली, ये भी बहुत सुंदर लग रही है। इसको भी हम एक्रेलिक पेंट की बोतल से और मोल्डेड क्ले से बनाएंगे। बीच वाला वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया दोस्तों, बस कुछ नहीं है, देखिए हमने यहाँ पर एक हमारे फेविकोल की डिब्बी का ढक्कन था उसको नीचे लगाया है, उसके ऊपर क्ले लगाई है 2-3 पार्ट। अब हाथ में जो गोल गोल करके पत्तियां बनाना है उसे राउंड राउंड करिए, चपटा करिए, फिर पॉइंटेड कर दीजिए। देखिए जैसे हम कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए वीडियो में, बिल्कुल सिंपल है करना। इस तरीके से हम चारों साइड ना पूरे ढक्कन पर लगा देंगे, क्योंकि एक थोड़ी टफ वाली हो गई मोर वाली, तो दूसरी वाली थोड़ी सिंपल बनाना है ना, मतलब थोड़ा बैलेंस हो जाए, दोनों ही टफ हो जाएंगे तो टफ हो जाएगा बनाना एक्चुअली में। और एक ही उस जो किले थी ना उस वो ये जो 10 रुपए वाला आता ना किले का पैकेट, उसी में दोनों बनके तैयार हो गई हैं दोस्तों। देखिए ऐसा ढक्कन बनाने के लिए भी हमें ही करेंगे सेम वैसा ही प्रोसीजर जैसा, ऊपर राउंड राउंड लगा देंगे मोती। बस देखिए बनकर अभी से अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ी सी भाई कट वर्क फिर करना है, डिटेलिंग तो करनी है। कटर उठाएंगे बस चला देंगे पत्तियों को
थोड़ा पत्तियों में कट भर कर देंगे, ढक्कन पे कर देंगे। इसी तरह से उसका ढक्कन किया था दोस्तों पहले वाली का, वो हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, आप देख लीजिए। और ये वो ये रिफिल उठाई, रिफिल खत्म हो गई, उसको भी यूज कर रहे हैं। हमने इतना कुछ फेंकते ही नहीं है, कुछ भी कचरा घर में इकट्ठा हो जाता है एक्चुअली में। हम अपने घर के लिए बना रहे हैं, वही आपके लिए हम शेयर कर रहे हैं, कोई अलग से नहीं बना रहे दोस्तों। ये बनकर तैयार हो गई, बस अच्छे से सूख गई 3-4 घंटे में। वैसे मोल्डेड क्ले का जल्दी ही सूख जाता है, कभी कभी 2 घंटे में अच्छे से ड्राई हो जाता है अगर आपका फैन चल रहा है, काम कर रहे हैं आप ना, फटाफट हो जाता है। वॉल पुट्टी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक्चुअली में। तो ढक्कन में जहां जहां आपने क्ले बर किया है इसे पूरा एक्चुअली ब्लैक कलर कर देंगे, बाकी रेड कलर कर देंगे, क्योंकि रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। पहले हमने सोचा था ग्लास पेंट करेंगे, नहीं ग्लास पेंट नहीं, हमें इसके ऊपर ना मिरर वर्क करना है, और हाथ से इस पे गोल्डन एक्रेलिक पेंट कर रहे हैं। देखिए गोल्डन कलर जैसे ही करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं क्ले पर, कट वर्क मतलब जो भी तो डिटेलिंग करते हैं, उभर के आ जाता है एकदम, सुंदरता 4 गुना बढ़ जाती है गोल्डन कलर लगाते ही। और मिरर से तो वही हमें पॉजिटिव एनर्जी आती है, हम हर बिना मिरर के तो हमें कोई वर्क पूरा ही नहीं होता। एक्चुअली पिकॉक वाले पहले हमने सोचा फेदर पे लगा दें मिरर, लेकिन नहीं, हमने की मजा नहीं आएगा एक्चुअली में। स्पेस लिए देखिए, और चारों साइड हमने डॉट डॉट लगा दिए, ब्रश से ही कर दिया, अगर आपके पास तो मंडला टूल्स है तो उनसे भी कर सकते हैं। येलो कलर को थोड़ा पत्ती पत्ती शेप में कर दिया हमें, बहुत ज़्यादा तो कुछ पेंटिंग वेंटिंग इतना नहीं आता, बस थोड़ा बहुत आता, बस वो ही कर दिया हमने। देखिए बनकर तैयार हो गई, कैसी लग रही है दोस्तों? ये भी बहुत सुंदर लग रही है, वाह। दोनों सिंदूर मतलब हल्दी कुमकुम की डिब्बियाँ तैयार हैंगी दोस्तों, आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।